जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं और गोवर्धन। हम हमारी परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे। बाय। गोवर्धन में आपका स्वागत है। आप बताइए भाई साहब, ये मानसी गंगा के बारे में बता रहे थे ना। हाँ जी, हाँ, मानसी गंगा है और गिरिराज जी का मंदिर है जी। भगवान ने मन से प्रकट की, बंसी से खोदी मानसी गंगा। एक बार कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए गौ के बछड़े के रूप में एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था वृषासुर। भगवान ने उसको पहचान लिया राक्षस है और राक्षस का पांव पकड़ के पछाड़ के उसको मार दिया। ओके। भगवान के साथ जो ग्वाल ग्वाल और गोपिया थी उन्होंने बोला कि भगवान आपने तो पाप किया है, गौ हत्या का दोष लगाया, आपने गौ के बछड़े को मारा है। भगवान बोले मैंने गौ के बछड़े को नहीं मारा है, मैंने तो राक्षस को मारा है। तो ग्वाल ग्वाल गोपियाँ थी उन्होंने बोला आपके लिए वो राक्षस होगा, हम तो आम आदमी हैं, आप भगवान होंगे, आपके लिए वो राक्षस है, हमारे लिए वो गऊ का बछड़ा था जी। तो भगवान से ग्वाल ग्वाल गोपियाँ बोली कि आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा जी। तो भगवान बोले कि मैं गंगा जी को अपने सर पे धारण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे चरणों से निकली हैं और जमुना जी मेरी पटरानी है, इनमें मैं स्नान कर नहीं सकता हूँ। तो भगवान के साथ जो ग्वाल ग्वाल गोपियाँ थी उन्होंने बोला कि अच्छा तो आप पापी हो, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। तो भगवान क्या है, ब्रजवासियों से उनका इतना लगाव था कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इनको तनक न बिसार दूंगो मो नंद बाबा की आन। तो भगवान ने मन से प्रकट की मानसी गंगा, मानसी गंगा मन से प्रकट की, बंसी से खोदी और फिर इसमें स्नान किया और अपना गौ हत्या का दोष हो गया। ये मानसी गंगा है, ये पूरी कहानी थी। ये गिरिराज जी का मंदिर है जी। तो पहले ब्रज के अंदर इंद्र की पूजा हुआ करती थी जी, इंद्र देवता की पूजा होती थी, सारे ब्रजवासी इंद्र को मानते थे जी। ये पर्वत ही है, यहाँ पे पर्वत के ऊपर ही नीचे मानसी गंगा है ना। हाँ जी। ये जो खंभा खड़ा हुआ है पर्वत के ऊपर, ये बस्ती है ना, ये हाँ पर्वत के ऊपर है, बस्ती के बाहर आपको पर्वत दिखाई देता है। हाँ जी। ये गिरिराज जी का मुकुट मुखारविंद है, यहाँ भगवान के शिलाओं के अंदर पांच चिन्हों का दर्शन है। पांच चिन्हों, एक मुकुट है, एक घरों पे हम और आप पीतल के लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, पीतल के लड्डू गोपाल जी की छवि है और सुरभि गाय के चरण का चिन्ह है और कल्प वृक्ष है और गिरिराज जी के कान भी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की है, इंद्र पूजा बंद करा के, ये वो स्थान है। यहाँ एक रूप से पूजत है और दूजे रहे पूजाए और श्रेष्ठ पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए और डला ब्रजवासी बल्ले आए और छप्पन मूल कर बोला गोवर्धन महाराज। Thank you.
माता लगाओ। चलो रक्ष बोलते हैं और भी कराऊंगा दर्शन पहले भेज दो।